दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 433 मेगाहर्ट्ज का TX-RX मॉड्यूल यूज़ करके ये वायरलेस कम्युनिकेशन सर्किट बनाना सिखाऊंगा। ये एक RF रिमोट कंट्रोल सर्किट है जिसमें ये रिसीवर सेक्शन है, यहाँ पर चार LEDs लगी हुई है और ये इसका ट्रांसमीटर सेक्शन है जहाँ पर चार बटन्स लगे गए हैं। आप देख सकते हैं पहला बटन दबाने पर पहली LED ग्लो होती है, दूसरा बटन दबाने पर दूसरी LED, तीसरा बटन दबाने पर तीसरी और उसी प्रकार चौथा बटन दबाने पर चौथी LED ग्लो होती है। ये दोनों सर्किट एक दूसरे से आइसोलेटेड है, अलग अलग है और RF रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बटन दबाने पर अगर दो बटन एक साथ दबाता हूँ तो दो LED एक साथ ग्लो होगी, अगर ये दो बटन एक साथ दबाता हूँ तो ये दो बटन, और इसी तरह से सेंटर के दो बटन दबाने पर सेंटर की दो लाइट चलती है। चारों बटन को अगर एक साथ दबाता हूँ तो चारों LEDs एक साथ ग्लो करेगी। ऐसा केवल RF रिमोट में ही पॉसिबल है, अगर IR रिमोट का कोई सर्किट होता तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं था। ओके, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और चलिए देखते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो जो सर्किट मैं आज आपको बताने वाला हूँ उससे पहले आप ब्रेडबोर्ड पर टेस्ट कर लें, उसके बाद आप उसे PCB पर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये रिसीवर सर्किट बनाया है सेम डिकोडर IC का यूज़ करके, और एनकोडर IC का यूज़ करके मैंने ट्रांसमीटर बनाया है। तो ये एक मोबाइल की बैटरी से पावर्ड है, तो एक वायरलेस रिमोट बन गया है RF पर जो वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं बटन दबाने पर करस्पॉन्डिंग LED ग्लो करती है हमारे रिसीवर में। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, इसका यूज़ करके मैं एक टॉय कार बनाऊंगा अगले वीडियो में। तो फिलहाल आप लाइक बटन दबा दें और कमेंट्स करना ना भूले, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार ये सर्किट बनेगा। जो आइटम्स हमें चाहिए कुछ इस प्रकार है। हमें चाहिए 433 मेगाहर्ट्ज़ के TX और RX मॉड्यूल, और चाहिए हमें एनकोडर और डिकोडर IC HT12E और HT12D। इसके अलावा दो रेसिस्टर चाहिए, 1M और 47K के, 100 ओम का एक और रेसिस्टर, और चार स्विच और चार LED हमें चाहिए। ये हमारा ट्रांसमीटर है, इसमें आप देख सकते हैं पिंस, VCC, ग्राउंड और इधर वाली डेटा है। ओके, और ये जो हमारी IC है HT12E, इसकी ये पिन नंबर VCC है, और ये वाली जो पिन है पिन नंबर 9, ये ग्राउंड है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड का ट्रैक यहाँ बिछा देंगे और ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे। तो एक ब्लैक वायर की मदद से मैं यहाँ पे ग्राउंड का ट्रैक बिछा देता हूँ और इसे मैं कनेक्ट कर दूंगा पिन नंबर 9 से, और ये ग्राउंड का सिंबल जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसे हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ओके, तो अब हम इसे कहाँ कनेक्ट करेंगे, पिन नंबर 9 पर जो कि ग्राउंड की पिन है। पॉजिटिव हमें देना है पिन नंबर 18 पर जो कि VCC की पिन है, इस पर हम प्लस 5 वोल्ट देंगे। हम किसी मोबाइल की बैटरी से इसे पावर दे सकते हैं, ये एक ट्रांसमीटर है तो इसकी पावर सप्लाई पोर्टेबल होनी चाहिए, इसलिए मोबाइल की बैटरी इस पर कनेक्ट की जा सकती है। तो यहाँ हमने प्लस 5 वोल्ट दिए पिन नंबर 18 पर, और जो ट्रांसमीटर है उस मॉड्यूल को भी प्लस 5 वोल्ट दे दिए। जो सेंटर की पिन है वो इसकी VCC की पिन है। ओके, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चार बटन है और ये 1M का रेसिस्टर, इसे साइड में अभी रख देता हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे कि जो पिन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की जो चार है, कौन सी, 10, 11, 12, 13, इन पर हम स्विच लगाएंगे। चार स्विच हमें यहाँ कनेक्ट करने हैं। ये स्विच जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होंगे, मतलब इन स्विच को दबाने पर लो सिग्नल जाएगा इन पिंस पर, पिन नंबर 10, 11, 12, 13 पर। तो हमने ये चार स्विच लगा दिए हैं और इसके जो चारों अदर टर्मिनल्स हैं इन स्विच के, उनको हम ग्राउंड कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसी नेगेटिव टर्मिनल को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे और पिन नंबर 14 जो कि ट्रांसमिशन इनेबल की पिन है, उसको हम ग्राउंड कर देंगे। ये ग्राउंड होने के बाद ही हमारा ट्रांसमिशन इनेबल होगा। ओके, फाइन, तो इसे हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो आउटपुट की पिन है आप देख ले, पिन नंबर 17 आउटपुट की पिन है, तो ये हम ट्रांसमीटर की डेटा पिन से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है मैं यहाँ से हटा देता हूँ और एक डिफरेंट कलर का वायर लेकर मैं पिन नंबर 17 को ट्रांसमीटर के डेटा पिन से कनेक्ट कर देता हूँ, इस प्रकार, फाइन। अब हम क्या करेंगे कि पिन नंबर 15 और 16 है, इनके बीच में ये 1M का रेसिस्टर लगाना है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, 1M का हमें ट्रांसमीटर में लगाना है और 47K का हमें रिसीवर में लगाना है। अगर ये वैल्यूज चेंज की हमने रेसिस्टर की तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये ऑसिलेटर की पिन थी जिन पर हमने ये रेसिस्टर लगा लिया, और यहाँ पर हमारा ट्रांसमीटर कम्प्लीट हो गया वायरिंग। अब रेसिस्टर की तरफ चलते हैं, सॉरी रिसीवर की तरफ चलते हैं। तो रिसीवर में भी हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ग्राउंड की पिन है
ये पिन नंबर 9 ही है, तो इसे हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पिन नंबर 9 को हमने यहाँ ग्राउंड कर दिया। पिन नंबर 10, 11, 12 और 13 इसके आउटपुट की पिन है, तो इस पर हम यहाँ पर ये LEDs लगा देते हैं जो कि लो सिग्नल को सेंस करेंगे। तो इन LEDs का नेगेटिव टर्मिनल हमें कनेक्ट करना है पिन नंबर 10, 11, 12 और 13 पर। ठीक है, और इन चारों पर हम ये चार LEDs कनेक्ट कर देंगे वन बाय वन। यहाँ स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो मैं यहाँ पर इनको थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। हर एक LED का नेगेटिव एंड पिन नंबर एक का रहेगा 10 पर, दूसरी LED का रहेगा पिन नंबर 11 पर, तीसरी LED का पिन नंबर 12 और चौथी LED पिन नंबर 13 पर कनेक्ट होगी नेगेटिव टर्मिनल पे। ओके, और इनके जो दूसरे एंड रहेंगे LEDs के, उन सबको आपस में कनेक्ट करके हम एक रेसिस्टर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे बैटरी के। तो इस तरह से इन वायर्स को मैं यहाँ एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ पर एक सिंगल वायर में लगा देता हूँ, और इसे हम रेसिस्टर के थ्रू, ये जो 100 ओम का रेसिस्टर है, इसके थ्रू हम इसे पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो मैं इस रेसिस्टर को पहले रोटेट कर दूं। ओके, इसे हमें यहाँ लगाना है इस प्रकार, और इसे हम VCC से जोड़ देंगे बैटरी के। तो VCC की पिन कौन सी है? पिन नंबर 18, जो कि दोनों IC में पॉजिटिव 5 वोल्ट की पिन है। ओके, तो इसे हमने पॉजिटिव 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया रेसिस्टर के थ्रू इन LEDs। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम ये रेसिस्टर 47K का लगाएंगे पिन नंबर 15 और 16 के बीच में। ओके, ये ऑसिलेटर्स की पिन है और इनके बीच में हम ये रेसिस्टर लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ये रिसीवर मॉड्यूल है 433 MHz का RX मॉड्यूल, इसमें ये चार पिन, आप देख सकते हैं, एक तरफ ग्राउंड लिखा है, एक तरफ VCC और बीच की दो पिन डेटा की है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो ये ग्राउंड का सिंबल मैं यहाँ लगा देता हूँ इस पिन पर, और बीच की जो दो पिन से आप देख सकते हैं ये डेटा की, इनमें से कोई भी एक पिन आप कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 14 से। और इधर ये VCC की जो पिन है, इस पर हम +5 पहले कनेक्ट कर देते हैं यहाँ इस प्रकार। अब यहाँ बीच की दोनों डेटा पिन में से कोई भी एक पिन को एक्सटेंड करके यहाँ इनपुट तक ले आएंगे। तो मैं यहाँ से इस पिन को एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ तक कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये डेटा इनपुट लेने को तैयार है रिसीवर से। ओके, तो आई होप ये सिंपल कनेक्शन था, मैंने आसानी से आपको समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एड्रेस पिन जो है, ज़रा ध्यान से देखें, इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रांसमीटर किसी भी रिसीवर से काम कर लेगा। ठीक है, तो इनको अलग सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एड्रेस पिन में कोई भी दो पिन या कोई भी तीन पिन या जितने भी पिन आप चाहे ग्राउंड कर दें ट्रांसमीटर में, और उतनी ही वही पिन आपको रिसीवर में भी ग्राउंड करनी रहेगी। तो हमने जैसा कि ट्रांसमीटर में पिन नंबर 2 और 4 को ग्राउंड किया था, तो यहाँ पर भी हम पिन नंबर 2 और 4 को ग्राउंड कर देंगे रिसीवर में, तभी ये ट्रांसमीटर रिसीवर से, इस रिसीवर से कम्युनिकेट कर पाएगा। ओके, दोनों तरफ सेम पिन्स को ग्राउंड करना है। ओके, तो इस तरह से अब इन स्विच को जब हम दबाएंगे वन बाय वन, तो यहाँ पर ये LEDs वन बाय वन ग्लो करेगी। अगर नहीं होती है तो कैसे टेस्ट करना है ये भी मैं बताऊँगा, लाइन पर बने रहें। दोस्तों, जितना सर्किट मैंने आपको कंप्यूटर पर दिखाया अभी, उतना मैंने यहाँ ब्रॉडबोर्ड पर बना दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांसमीटर मॉड्यूल है, जिसमें ये 433 MHz का ट्रांसमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे 433 MHz का रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर मॉड्यूल है जहाँ पर हमने डिकोडर IC लगाई हुई है। चार LEDs इधर है और चार बटन इधर है। अब जहाँ मैं पहला बटन दबाता हूँ, आप देख सकते हैं लाइट ग्लो कर रही है वन बाय वन, हर एक बटन पर उसकी करस्पॉन्डिंग LED ग्लो करती है। ये वायरलेसली कम्युनिकेट कर रहे हैं दोनों सर्किट एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सर्किट बना सकते हैं, और इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम अच्छा एंटीना यूज़ करें तो 100 मीटर तक की रेंज हमें यहाँ प्राप्त हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम अगर दो बटन दबाते हैं पेयर में, तो दो LEDs यहाँ ग्लो होगी, कोई भी दो अगर हम दबाते हैं तो, और दो ही नहीं, अगर हम सारे भी एक साथ दबाते हैं तो सारी LEDs वहाँ ग्लो होगी। ठीक है, तो ऐसा रेडियो फ्रिक्वेंसी में ही पॉसिबल है। अगर IR मॉड्यूल आप यूज़ करते हो या ब्लूटूथ यूज़ करते हो, तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो RF मॉड्यूल इसलिए ज़्यादा काम कर रहता है, इस तरह से रिमोट कंट्रोल सर्किट RF पे वर्क करते हैं, रिमोट कंट्रोल टॉय। दोस्तों, अगर आप सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं ब्रेडबोर्ड पर जैसा मैंने आपको बताया है इस तरह से, और फिर भी दोनों
RX और TX कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से, तो हम क्या करेंगे, कैसे चेक करना सर्किट को, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों को मॉड्यूल्स को थोड़ा साइड में रखेंगे और जो सर्किट हमने ब्रेड बोर्ड पर बनाया उन दोनों को आपस में एक वायर से कनेक्ट करेंगे। जी हाँ, एक वायर से। हम क्या करेंगे कि यहाँ डाटा ट्रांसमिशन की पिन थी पिन नंबर 17, उसे कनेक्ट करेंगे ट्रांसमीटर में से, मतलब एनकोडर आईसी की पिन नंबर 17 से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर डिकोडर आईसी की पिन नंबर 14 को, जो कि इसके इनपुट की पिन है। ठीक है, उनको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे और पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे अब इसमें बोर्ड में। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर ये वर्क करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये कि हमने जो सर्किट ब्रेड बोर्ड पर बनाया है एनकोडर और डिकोडर आईसी का यूज़ करके, वो ओके बनाया है। ठीक है, अब हम इसमें ये RX और TX मॉड्यूल लगा कर चेक कर सकते हैं कि ये वर्क कर रहे हैं और किस प्रकार ये वर्क करेगा। ओके, जैसा कि हम चेक कर चुके हैं वायर लगा कि ये दोनों सर्किट वर्क कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पर सेंटर में जो वायर लगाया है मैं इसे अगेन निकाल देता हूँ। और इसे निकाल के अब मैं यहाँ पर ये TX मॉड्यूल और RX मॉड्यूल लगा देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हाथ से गिरा जा रहा है मेरे बार बार, ठीक, फिर गिर गया। ओके, तो अब हम इसे वापस यहाँ लगा देते हैं। इसकी डेटा पिन जो है पिन नंबर 17 पे होनी चाहिए, ओके, ट्रांसमीटर की। और यहाँ पर ये जो हमारा रिसीवर है इसकी डेटा पिन जो है हम कनेक्ट करके रखेंगे पिन नंबर 14 से, जो कि इनपुट की पिन है यहाँ पर, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये हमने आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर बटन दबाएंगे, आप देख सकते हैं दोनों रिसीवर और ट्रांसमीटर सेक्शन दोनों मॉड्यूल आपस में वर्क कर रहे हैं और हमारा रिमोट कंट्रोल सर्किट RF वाला वर्क कर रहा है। एक बार आप ब्रेडबोर्ड पर बनाकर टेस्ट कर लें इस RF ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट्स को, इसके बाद आप इसे PCB पर बना सकते हैं इस प्रकार से। जैसा आप देख सकते हैं ये रिसीवर मॉड्यूल है और ये इसका जो है रिमोट हैंडसेट है, मतलब ट्रांसमीटर है। ओके, तो इसे हमने मोबाइल से पावर दिया तो ये पोर्टेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन दबाने पर करस्पॉन्डिंग लाइट रिसीवर में ग्लो कर रही है, मतलब दोनों पेयर्ड है आपस में। और इसका यूज़ करके मैं आगे आने वाले वीडियो में कोई टॉय को कंट्रोल करके बताऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक बटन जरूर दबा दें। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।